हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप देखने वाले हैं CSS 3 की बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ होती है। तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास CSS में कौन कौन सी हैं अगर हमने बॉर्डर लगाना है। तो पहली प्रॉपर्टी है बॉर्डर की विड्थ। बॉर्डर की विड्थ मतलब उसकी मोटाई, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, कितना पिक्सल, जितना ज़्यादा पिक्सल उतना ज़्यादा मोटा बॉर्डर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आती है बॉर्डर का स्टाइल। CSS हमारे को 10 तरीके के अलग अलग स्टाइल्स देता है जो हम आगे जाके देखने ही वाले हैं। और फिर हम इसका देते हैं बॉर्डर का कलर, कि बॉर्डर का कलर कौन सा होगा। ठीक है, वो हम हेक्साडेसिमल कोड से भी दे सकते हैं, वो हम बाय नेम भी दे सकते हैं कलर के। अब यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि एक मैंने एक डिव लिया है और डिव में एक रेड कलर का बॉर्डर लगाया हुआ है। अगर आप इस तरह का कुछ देना चाहते हैं तो हम CSS में से लिखेंगे कैसे। हम जैसे बॉर्डर की विड्थ दी यहाँ पर 2 पिक्सल, ये 2 पिक्सल मोटा है, और इसका स्टाइल दिया सॉलिड। और भी 10 मैंने आपको बताया कि 10 तरीके के स्टाइल्स हैं। ठीक है, उसमें से सॉलिड लिया है, सॉलिड मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और एक इसका कलर दिया है, वो हमने दिया है रेड। तो आपने देखा ये 3 प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। अब बात आती है बॉर्डर के स्टाइल्स की, जो हमने बात की है कि अलग अलग 10 तरीके के स्टाइल्स हैं। तो CSS हमारे को 10 तरीके के कौन कौन से स्टाइल देखता है। एक तो है सॉलिड, सॉलिड मतलब स्ट्रेट लाइन। एक है डॉटेड, डॉट डॉट्स करके आ जाएगी। एक है डैश्ड, डैश डैश करके आ जाएगी। डबल है, 2 बॉर्डर निकलेंगे इकट्ठे। एक है ग्रूव, थोड़ा सा अंदर की तरफ इंसर्ट कह सकते हैं हुआ हुआ। एक है रिज, इंसर्ट आउटसाइड, आउटसाइड मतलब थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ। एक है नन, नन मतलब बॉर्डर है ही नहीं, बॉर्डर लगाया हुआ मगर अभी आपने हटा दिया हो मान लो। एक है मिक्स, मतलब कि ऊपर कुछ, लेफ्ट में कुछ, राइट में कुछ, अलग अलग स्टाइल का बॉर्डर। ठीक है, अब हम बात करते हैं CSS के बॉर्डर की शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि हमें एक बॉर्डर की विड्थ देनी पड़ती है, एक स्टाइल और एक कलर। अगर आप इन 3 लाइनों को सिर्फ एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो उसे कहते हैं शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका क्या है, जैसे आपने सिंपल लिखा बॉर्डर, फिर पहले देनी है विड्थ, जैसे यहाँ लिखा 2 पिक्सल, फिर स्पेस देके उसका स्टाइल, फिर स्पेस देके उसका कलर। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है तो आपका ये शॉर्ट हैंड बन जाएगा। इसके लिए आपको 3 डिफरेंट लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम भी जल्दी होगा। अब बात करते हैं सिर्फ हमें बॉर्डर एक साइड से देना है, तो उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप सिर्फ बॉर्डर टॉप से देना चाहते हैं तो बॉर्डर टॉप, अगर बॉटम से तो बॉर्डर बॉटम, ऐसे ही लेफ्ट और राइट के लिए भी। तो देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पर हमने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है अपने नोटपैड प्लस प्लस में, और इसको सेव भी कर दिया है जैसे border.html। इसमें एक हेडिंग दी हमने और 2 डमी पैराग्राफ डाले हैं हमने। तो अब इसमें हमारे को बॉर्डर लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इनलाइन स्टाइल नहीं करेंगे, अब हम स्टाइल टैग के अंदर करेंगे। तो हेड टैग के अंदर जाके हम यहाँ पर स्टाइल टैग शुरू करते हैं अपना, और यहाँ पर आके इसको स्लैश लगा के हमने क्लोज कर लिया। अब यहाँ पर मैं CSS लिखना चाहता हूँ जैसे H1 की, तो मैं यहाँ पर सिलेक्टर बनाया H1, और इसके अंदर जाके जैसे मैंने बॉर्डर देना है तो मैंने दिया बॉर्डर, पहले विड्थ दूंगा border-width, और इसके अंदर जैसे मैंने जाके दे दिया 1 पिक्सल। अब मैं ऐसे ही बॉर्डर स्टाइल लगा देता हूँ, और वैसे मैंने अभी सीधा सिंपल लाइन लगानी है तो मैं सॉलिड ही दे देता हूँ। और इसके बाद बात आती है कलर की, तो बॉर्डर कलर, और इसके अंदर कलर जैसे मैंने दे दिया रेड। ठीक है, तो अब हम इसे लॉन्च करते हैं। यहाँ से मैं रन गया और यहाँ से मैंने लॉन्च इन क्रोम किया, तो ये देखिए यहाँ पर जो हेडिंग है हमारी, इस पर बॉर्डर आ चुका है। मैं बॉर्डर किसी भी टैग पर लगा सकता हूँ, किसी भी टैग पर, हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, स्पैन हो, डिव हो, टेबल हो, कोई भी फॉर्म हो, किसी भी टैग पर हम ये बॉर्डर लगा सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे मैं पहले विड्थ से आपको दिखाता हूँ, जैसे विड्थ को मैंने दे दिया 3 पिक्सल। अब मैंने यहाँ के पेज रिफ्रेश किया, ये देखिए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको जैसे दे दिया 30, तो ये 30 पिक्सल मोटा बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 30 पिक्सल मोटा। ठीक है, अभी तो मैं इसे वापस 3 पे ही कर देता हूँ, तो आपने देखा
ठीक है, मैंने पेज रिफ्रेश किया तो ये हो गया। अब हम मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ पर कैसे अलग अलग स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। तो हम ये थोड़ा फास्ट करेंगे, डॉटेड डॉटेड में यहाँ डॉट्स आ जाएंगी, बस ये देखिए डॉट्स आ चुकी हैं। ठीक है, एक होता है डैश्ड, ठीक है ये देखिए आप डैश्ड, ठीक है, और एक होता है आपका डबल, डबल मतलब दो बॉर्डर्स आ जाएंगे, ये देखिए दो बॉर्डर। फिर एक होता है ग्रूव, ग्रूव सभी ब्राउजर्स पे ठीक से काम नहीं करता है, वैसे किसी किसी पे करता भी है, देखते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ कर रहा है। ये देखिए बॉर्डर को ध्यान से, मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसकी थिकनेस बढ़ाता हूँ तो शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए, 8 दिया मैंने। ये देखिए ये है ग्रूव, ठीक है ये है ग्रूव, और एक हमारा बॉर्डर है जिसका नाम है रिड्स, RIDGE, ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए ये भी है, थोड़ा बहुत आपको वैसे ही लग रहा होगा ग्रूव की तरह। अगर मैं इसका बॉर्डर फिर से 3 पिक्सल देता हूँ, फिर चेक कराता हूँ आपको, ये देखिए ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं इधर से उभरा हुआ, ठीक है 5 भी दे देते हैं अभी तो। और यहाँ पर हमारे पास एक बॉर्डर है इनसेट, इनसेट मतलब अंदर की साइड पे थोड़ा धंसा हुआ सा लगता है जैसे, ठीक है ये देखिए ये है इनसेट, और एक ऐसे ही इसका बिल्कुल उल्टा होता है आउटसेट। ये देखिए ये है आउटसेट, ठीक है मैं थोड़ा बॉर्डर और ज़्यादा देके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये आउटसेट है, ठीक है। और एक होता है हमारे पास नन, नन में क्या होगा, बॉर्डर तो है वहीं पर, प्रॉपर्टीज लगी हुई है मगर दिख नहीं रहा, क्योंकि दिखेगा नहीं नन से, ठीक है। और एक होता है मिक्स, मिक्स के लिए हम लिखते नहीं हैं बस अलग अलग देते हैं, तो सबसे पहले हम टॉप का देते हैं, फिर राइट का, फिर बॉटम का, और फिर लेफ्ट का क्लॉकवाइज। जैसे पहले टॉप का देते हैं हम, जैसे हमने दे दिया सॉलिड, फिर हम बात करेंगे राइट की, राइट में हमने दे दिया जैसे डॉटेड, और फिर नीचे दे दिया जैसे आपका डैश्ड, फिर हमने दे दिया जैसे आपका इनसेट, ठीक है सेव किया, पहले टॉप का, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है बिल्कुल क्लॉकवाइज, टॉप फिर राइट फिर बॉटम और फिर लेफ्ट। अब यहाँ आए हम, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए ऊपर से टॉप, इधर से डॉटेड हो गया, इधर से डैश्ड हो गया, और इधर से आपका इनसेट हो, रिज हो गया, रिज दिया था ना, नहीं इनसेट दिया था, इनसेट हो गया। तो ये देखा आपने, अलग अलग हम बॉर्डर दे सकते हैं इसमें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर शॉर्ट हैंड की, शॉर्ट हैंड मतलब कि एक ही लाइन में आपको ये सारा कोड देना हो, तो उसको कैसे देंगे, मैं ये हटा देता हूँ, और मैंने सिंपल लिखा बॉर्डर, ना कोई विड्थ ना कोई स्टाइल ना कोई कलर, सिर्फ बॉर्डर। यहाँ पर सबसे पहले मेरे को देना है इसकी विड्थ, विड्थ जैसे मैंने दे दी यहाँ पर 3 पिक्सल, और यहाँ दे दिया सॉलिड, और यहाँ दे दिया उसका स्पेस देके कलर जैसे कि रेड, सेव किया मैंने फाइल को, और ये देखिए ये बिल्कुल सही चल रहा है। मैं यहाँ पर कुछ और भी करूँगा, जैसे कर दिया डबल, ये देखिए ठीक है, ये इसका शॉर्ट हैंड है, आपको देख ही रहा होगा कि कितना यूज़फुल है, आपको 3 लाइनें लेकिन लिखनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड का बॉर्डर देना है, सिर्फ मान लो बॉर्डर बॉटम ही देना है, तो मैंने लिखूँगा बॉर्डर बॉटम, और जैसे यहाँ पर जाके मैं स्टाइल चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पर सिंपल लिख दिया से सॉलिड, सेव किया, और ये देखिए ये सिर्फ नीचे से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ऊपर से भी देना चाहता हूँ तो मैं इसी की डुप्लीकेट करके ऐसे भी कर सकता हूँ, बॉर्डर टॉप, और यहाँ पर भी 3 पिक्सल का, मगर इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ मान लो ग्रीन, सेव किया, रिफ्रेश किया पेज, ये देखिए ऊपर से ग्रीन, ऐसे ऐसे आप लेफ्ट और राइट का अलग अलग भी कर सकते हैं। अब मान लो मैं ऊपर से सॉलिड नहीं ऊपर से डैश करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ये देखिए ठीक है।
तो यहाँ पर आपने देखा कि हम कैसे अलग अलग बॉर्डर दे सकते हैं, उनके स्टाइल्स क्या हैं और उसको देने का तरीका क्या है। तो अगली वीडियो में हम ऐसे ही एक और टैग जिसका नाम है आउटलाइन, उसकी बात करेंगे। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।